मांग रही है। बैठने दे ना, पीछे बैठने दे मुझे। ये जी हमारा पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग ये सांसद करना शुरू हो गए हैं। ये जी हर बार की तरह इस बार भी आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, पेंटिंग खा गए या फिर अंदर बैठे हैं। और ये है जी ऊपर से नीचे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, बैक टू अनदर व्लॉग। आपका भाई और एक बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग के साथ आदर है भाई। आपका इसे नए ट्रिप पे एक शुरू कर रहा हूँ मरी, एक ही ये व्लॉग होगा, बहुत लंबे मतलब कि इसकी वीडियो नहीं आएगी। रात का भैया आपका मरी आ चुका है, अभी मैं मरी में हूँ। मरी में इस टाइम अच्छी खासी सर्दी है, तो ये होटल है जिधर हम लोग ठहरे हैं, पीछे गलानी होटल है। इधर अभी आपको मैं अपना रूम टूर भी देता हूँ, तो उसके बाद आपको मार रोड और सारी सूरत हाल दिखाता हूँ, क्या सूरत हाल है इस टाइम मौजूदा मरी की, क्या सूरत हाल है। बर्फबारी अभी नहीं स्टार्ट हुई, उम्मीद है कि और 10-15 दिनों में इधर भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जिधर ये हमारा होटल है, ये देखिए गलानी होटल, और वो हमारी आगे गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें ये एक कज़न है साथ भाई खड़े हुए। ये हमारा होटल है, अभी आपको रूम टूर देता हूँ। ये हमारे कमरे से बाहर खूबसूरत नज़ारा, ये कुछ इस तरह का है। और इधर बाइक का ये बेड जिधर वो रात में सोया था, और इस तरफ ये सीन है। ओए हाय हाय, ये और ये भाई इस टाइम रेडी हो गया फुल तैयार, अभी बाहर निकलते हैं, देखते हैं किधर तक जाते हैं, चलते हैं हम बाहर की जाने। ये कमरे के कुछ अभी इस तरह के हालात हैं। ये भाई अभी सो रहे हैं, तो ये हमारे कमरे के अभी बुरे हालात, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अभी हम आपको दिखाएगा बाहर से, मैं कहा रूम टूर दे दिया जाए। ये अभी कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, इसलिए माजरत, आप फ़िलहाल इन नज़ारों से गुजारा कीजिए। ये जी इस टाइम मरी मार रोड जीपीओ, ये कुछ नज़ारे हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बस नॉर्मल ही है। ये देखिए इस टाइम सर्दी है, बस ठीक ठाक, इस टाइम सर्दी ज़रूर है, धूप ला के निकली हुई है, लेकिन फिर भी सर्दी ठीक ठाक है। ये देखिए दो दो जैकेट लोगों ने पहनी हुई है, तो बर्फबारी देखें कब होती है अभी। तो ये अभी रश रुश तो अभी आगे भी देख रहे हैं आपको, सामने मार रोड का देखिए रश तकरीबन है ही नहीं है इस टाइम। अभी दिखाते हैं अभी आगे भी आपको, ये जी इधर अभी नाश्ता करने के लिए आए हैं, इधर अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। और ये इस टाइम फ्लैक्स ने सारा व्यू भी रोक दिया, ये होटल इस टाइम मरी। और मार रोड वो आपको खाली खाली नज़र आ रहा है, और नीचे ये भी सारे नाश्ते वाले पॉइंट हैं। ये जी इस टाइम अभी नथिया गली के लिए निकल रहे हैं, मैं क्या क्यों ना आगे आए हैं, तो फिर नथिया गली एक दफ़ा देख के आ जाए। ये देखिए जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है पत्ते सब गायब हो गए, देखिए कितना खूबसूरत नजर है। ये भी एक जगह रुके हैं ऊपर नथिया गली जाते हुए, यही साहब अभी ऊपर तक जाते हैं नथिया गली, फिर आपको ऊपर नथिया गली दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह का कुछ ऊपर सारा मौसम, फुल नीला आसमान इस टाइम आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये हमारे गाड़ी रुकी है, वहाँ पीछे कुछ और भी आके लोग रुक गए हैं, क्योंकि सभी मौसम इंजॉय। ये जी जो रुके हुए हैं ये देखिए, ये साथ कदल ये भी आया, तो बच्ची को जल्दी पकड़ा हुआ है और देख ही नहीं कैमरे की इधर वो ऊपर सर्दी ज़्यादा है, नीचे असल में सर्दी नहीं थी, अभी जैसे ही ऊपर आए हैं सर्दी ज़्यादा है। हाँ जी ये जी थोड़ा सा आगे आए हैं, ये देखिए आगे बंदर बैठे हुए हैं, ये देखिए ये छोटा बंदर का बच्चा। और ये अभी जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे काफ़ी बंदर आएंगे, ये देखिए ये चार हो जाए, ये तो डरा रहे हैं वो छोटा बच्चा। ये देखे ना ये मादी या बच्चे वाली मादी या मांग रही है, बैठने दे ना, पीछे बैठने दे मुझे। ये जी हाँ रुके हैं इधर आगे, वो काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हैं, इस तरफ भी रुकी हुई हैं। और ये बंदर ये है बंदर, वो देखिए ये कार है,
मोबाइल था ना मोबाइल पीछा को दे कीता को ये जी इस टाइम दोनों कदन आए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस तरह से काफी ज्यादा बंदर आ चुके हैं। ये देखिए ये रोड की दूसरी तरफ ये है और वो उधर रोड के ऊपर वो देखे घूम रही है। ये जी इस टाइम लथिया गली के कुछ व्यू को दिखा रहा हूँ। इस टाइम लथिया गली कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म तजर्बा तो है नहीं है तो इसलिए लथिया गली इस टाइम ये लथिया गली का व्यू है। ये दुकानें आप देख लें शॉप बिल्कुल खाली पड़ी है और पहले गाड़ी थोड़ी पीछे लगा दी है, पहले मैं आगे से होके आ गया हूँ, अब ज़रा पैदल वॉक कर रहे हैं आगे तक। मैं अगर आपको भी दिखाया जाए खुद भी देखा जाए। और ये जी अभी गाड़ी खड़ी करके ये अभी हम पहुंच गए हैं डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए। देखते हैं अंदर जाके, फर्स्ट दफ़ा देखना है ये आ गया डोंगा गली। अब इस तरह पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। ये जी हमारा पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग ये सासत करना शुरू हो गए हैं और साथ मेरे ये नौजवान जो कि अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको टेंशन पड़ गई है एक घंटा कुछ का पाइपलाइन ट्रैक है, लेकिन मज़े का ट्रैक है कर लेंगे। चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं मज़ेदार सा ये ट्रैक। ये जी इस टाइम पाइपलाइन ट्रैक का और ये देखिए नीचे कितना डीप है और ये भी पाइपलाइन ट्रैक चल रहा है। अभी हमारा थोड़ा सा इशू हुआ है तो भी आस्ता आस्ता आगे तक जा रहे हैं। ये बेसिकली वो पाइप है जिसके लिए पाइपलाइन ट्रैक बना हुआ है। ये देखिए ये भी आपके साथ साथ ही जा रहा है और ये कुछ। ये जी हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तकरीबन ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये वाला तो, लेकिन जो हमारे साथ हैं वो पीछे ही रुक गए हैं तो इसलिए हम ये ट्रैक 4 किलोमीटर तक हम लोगों ने तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर कर लिया है, लेकिन हमने कहा क्योंकि वो पीछे वेट कर रहे हैं इस वजह से फिर वापस जा रहे हैं। आपको ट्रैक करके कैसा लगा? बहुत अच्छा जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा ट्रैक है, घना जंगल है और मज़ा आया ट्रैक करके। अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं कर सके लेकिन चलें कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा मौसम है और अच्छा ट्रैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कोशिश करेंगे पूरा करेंगे। असल में वो वेट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से उधर इतनी देर खड़े रहें, इसलिए हम फिर वापस अब जाने लगे हैं। ये देखिए इस तरह का कुछ नज़ारा भी है ट्रैक किसी जी रात टाइम मरी मार रोड के नज़ारे। आज काफ़ी ज़्यादा रश है और इस तरफ आज मुकामी इलेक्शन भी है, एक तरफ है छतरी और पगड़ी, अभी नीचे उनकी वोटिंग चल रही है। ये इस गली में आप आगे देख सकते हैं सारे लोग नज़र। ये जी इस टाइम मार रोड पे आज 2 तारीख है इलेक्शन है और ये चेक करिए मार रोड पे इस टाइम रात का व्यू। देखिए मदी मार रोड से है ना नीचे, तो ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। आज हम लोग इस तरफ आपको हमेशा ऊपर से तो मरी दिखाया, आज मैं क्या क्यों ना आपको डिफरेंट व्यू मरी का दिखाया, जो बहुत से लोग जैसे कि नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा को पता भी नहीं होगा ये ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। ये जी हम लोग पहुँच चुके हैं तख्त भाई के चपली कबाब खाने के लिए, वो ऊपर मरी मार रोड से नीचे ये आए तो ये इनकी शॉप है, ये जिधर बैठे हैं और इनके उधर भी सीटिंग है। ये जो पुराना जिधर बसें वगैरह तो आती हैं मरी मार रोड की बैक साइड वो उधर से आ रही है तो ये इधर ही बैठे हैं तख्त चपली कबाब वाले बल। ये जी इस तरह सीन हुआ है, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, कबाब आए हैं आगे, याद ही नहीं रहा कि वीडियो बनानी है उसका रिव्यू करना है, कबाब खा गए बस खा गए, तस्वीर का ना वीडियो का कोई नहीं, कबाब खा गए। लेकिन कबाब वाकई अच्छे हैं, जितना आप ऊपर से नीचे आते हैं ना कबाब वाकई तख्त अदारे के तख्त भाई के हाँ जी बेहतरीन कबाब हैं, मज़ा आया कबाब खा के ना तो। लेकिन वो आपको माजरत को दिखा ना सके, अब उधर से कोई चपली कबाब बनता है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि तब भूख लगी थी खा गए हैं। ये जी चपली कबाब कुछ इस तरह के हैं मज़ेदार, हमारे पास आए हैं वीडियो शीडियो बनाने के, आज नहीं रहा भूख लगी थी हम खा गए या फिर अंदर बैठे हैं। और ये है जी ऊपर से नीचे हैं मज़ेदार कबाब तो माशाल्लाह, शुक्रिया मेहरबानी। ये जी जो मैं आगे आपको वोटिंग का बता रहा था, इधर छतरी वाले जीत गए, ये सारे वो ही हैं ये देख सकते हैं, ये
ढोल शोल बाज रहा है। ओ सॉरी पगड़ी वाले जीत गए, छतरी वाले आ रहे हैं। पगड़ी जीता है, पगड़ी जीत 64 लीड से जीता है। ये देखिए जी, ये पगड़ी वाला जीता है तो ये इसकी खुशी में ये सारे तो ढोल भी नहीं बाज रहा। ये मरी मार रोड का सुबह सुबह का टाइम तकरीबन 8 बज रहे हैं, ये देखिए। और इस टाइम रश नाम की कोई चीज़ नहीं, सभी और हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता, अभी करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद आगे आके पिंडी पॉइंट और चेयर लिफ्ट की तरफ जाएंगे। अभी करते हैं नाश्ता, नीचे आ रहे हैं इस टाइम पिंडी पॉइंट की तरफ। ये देखिए इस टाइम सुबह सुबह का नज़ारा आपको, ये चाय शॉप सभी ओपन हो गई नज़र आ रही है। और आगे ये कुछ इस तरह का आगे कुछ इस तरह का भी नज़ारा है। ये जी हर बार की तरह इस बार भी आपको फोटो दिखा रहा हूँ पिंडी। ओहो ये पिंडी पॉइंट जाना उसके रास्ते में आती हैं मरी की हिस्ट्री पिक्चरों में इन्होंने की हुई है। ये ऊपर आप सन देख सकते हैं 2002 से लेके 2021 तक। ये देखिए ये पीछे ऊपर सन लिखा हुआ है 2000 तक, ये देखिए। और वो उससे पहले सबसे आगे। ये जी हम लोग चेयर लिफ्ट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी चेयर लिफ्ट बांधे थोड़ा सा टाइम है इसको ना चलने में चेयर लिफ्ट को। ये देखिए ये चेयर लिफ्ट वाली जगह है और ये कुछ सीढ़ियाँ जो भी उतर के जाना है, और ये कुछ उतराई हैं इधर वो ऊपर से ये नीचे इस तरह करके वो अभी जा रहा है। अभी चेयर लिफ्ट चलनी है पूरे 10 बजे, अभी तकरीबन आधा घंटा पड़ा हुआ है। और इस टाइम मेरे GoPro की आप कह सकते हैं बैटरी टोटली 5% इसकी बैटरी रह गई है, तो इसलिए ये मैं वीडियो ना इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल की सपोर्ट के लिए। ये एक दिन मेरा 3 दिन का ट्रिप था मरी का, तो मैंने सारी वीडियो जितनी भी है मिक्स करके इसी में मतलब कि एक ही वीडियो में सारी वो डाल दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और ये लास्ट टाइम व्यू, इस टाइम वो सामने पहाड़ों पर धूप आना शुरू हो चुकी है।